कैप्टन अमेरिका फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो स्टोरी या प्लॉट या फिर आप जो बोल सकते हो सिनॉप्सिस वो इंटरनेट पर लीक हो चुका है। सबसे पहले जब से डेडपूल 3 की अनाउंसमेंट हुई तब से हमको ये भी पता चल गया कि वुल्वरीन आने वाला है उस मूवी के अंदर, एंड वुल्वरीन आएगा तो एक न्यू मेटल भी आएगा जिसका नाम होने वाला है एडामेंटियम। जो सिनॉप्सिस अभी इंटरनेट पर लीक हुआ है उसके हिसाब से एक न्यू मेटल एडामेंटियम है वो टेमोट पर मिलेगा जो कि हमने इटर्नल्स मूवी के अंदर देखा था। अब वो पूरा पूरा एक आइलैंड बन चुका है एंड उस आइलैंड के ऊपर एक न्यू मेटल मिला है जिसको लोग नाम दे रहे एडामेंटियम जो कि वाइब्रेनियम से भी ज्यादा खतरनाक है। अब सारे के सारे जितने भी कंट्रीज है उनको उस मेटल का मतलब एक पीस भी मिलता है तो भी बहुत है, एंड साथ साथ वो आइलैंड भी। और इसी बीच हमारा हैरिसन फोर्ड का जो थंडरबोल्ट रॉस है वो हमारे अमेरिका का न्यू प्रेसिडेंट बन जाएगा और साथ ही इस मूवी का मेन विलन भी वही होने वाला है जो अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को रेड हल्क के अंदर मतलब कन्वर्ट कर लेगा और रेड हल्क बताया आपको कितना खतरनाक है। पता नहीं भाई रेड हल्क को ये कैप्टन अमेरिका से कैसे भिड़वाएंगे और कैसे रोकेंगे, और हमारा थंडरबोल्ट रॉस है उसको भी किसी भी हालत में वो आइलैंड और जो मेटल है वो चाहिए। अब उसके साथ भी भाई कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट वो करना चाहता होगा। एंड उसके बाद में जो हमारा सैम विल्सन का जो कैप्टन अमेरिका है वो एक नया पूरा ग्रुप बनाएगा सुपर हीरोज का एंड थंडरबोल्ट रॉस को रोकने की पूरी पूरी कोशिश भी करेगा, एंड उस ग्रुप के अंदर हमारे न्यू फैल्कन भी होगा और उसके जो एक्टर है उन्होंने अभी भी इंटरनेट पे पोस्ट ऐसे मतलब शेयर की है जिसके अंदर हमको दिख रहा है कि भाई बंदा वो फैल्कन बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। हमारा जो न्यू कैप्टन अमेरिका है वो मतलब रेड हल्क से तो लड़ेगा ही और उसको हराएगा ही हराएगा, लेकिन साथ साथ वो कुछ अदर विलन से भी इस मूवी के अंदर लड़ने वाला है। शायद से जो हमारा लीडर वो भी इस मूवी के अंदर होगा एंड शायद से वो मेन विलन नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा है ना कि वो मेन विलन होगा तो मेरे को नहीं लगता कि वो मेन विलन होगा, रेड हल्क ही होना चाहिए मेन विलन। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि जो लीडर है वही हमारे जो थंडरबोल्ट रॉस है उनको रेड हल्क में कन्वर्ट कर दे और कुछ अदर विलन्स भी होगा जिनको भी मतलब एडमेंटियम है वो चाहिए होगा तो उनको भी हमारा कैप्टन अमेरिका रोकने वाला है इस मूवी के अंदर। तो भाई इसका जो प्लॉट और सिनॉप्सिस देखे ना तो भाई बहुत ही खतरनाक लग रहा है सुनने में भी भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि फुल ऑन पावरफुल एक्शन होने वाला है इस मूवी के अंदर। मतलब ऐसे आराम से इधर से रेड हल्क आ रहा है, इधर से लीडर आ रहा है, इधर से हमारा कैप्टन अमेरिका, इधर से न्यू फाल्कन, और बाकी मेरे को लगता है प्रोबेबली इस मूवी के अंदर होगा ही होगा और कुछ मतलब नए सुपर हीरोज भी होंगे तो देखेंगे भाई कितना मजा आएगा उन सबको एक साथ देखने के अंदर। मेरे को लगता है ये एक सिविल वॉर के जैसी मूवी होने वाली है। तो भाई मैं तो कैप्टन अमेरिका 4 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए मेरे को कमेंट जरूर बताना, और अगर चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। देख लो 99% लोगों ने सबसक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।